हाय गाइस, मेरा नाम है दीप्तनु। आप देख रहे हो मेरी चैनल दीप्तनुशील को। तो अभी जो आपके सामने यूट्यूब चैनल आया हुआ है, इस चैनल के ऑनर का मोनेटाइजेशन के लेके इशू है। इस पेज के ऑनर ने मुझे बताया है कि अपने यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी 1000 सब्सक्राइबर का जो क्राइटेरिया होता है वो फुलफिल है, उसी के साथ 4000 घंटे का जो वॉच टाइम का क्राइटेरिया होता है वो भी फुलफिल है, और इस चैनल को ऑलरेडी 2 या 3 बार मोनेटाइजेशन के लिए अपील में भेजा गया था, मगर जितने बार अपील पे भेजा, यूट्यूब के हवाले से पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी के अगेंस्ट जाने के वजह से इस पेज का या इस चैनल का आप बोल सकते हो मोनेटाइजेशन जो है वो ऑन नहीं हुआ है। अब मुझे इस पेज के ऑनर ने बोला है कि आप मेरे ये यूट्यूब चैनल का हेल्थ चेकअप कर दो और बताओ मुझे किस रीजन के वजह से मेरा चैनल का मोनेटाइजेशन बार बार रिजेक्ट हो रहा है और मैं ऐसा क्या करूं ताकि आने वाले टाइम पे मेरा मोनेटाइजेशन ऑन हो जाए। तो दोस्त, आज के इस वीडियो पे अगर आप एक नए नए यूट्यूब क्रिएटर हो तो पूरा चीज आपको सीखने को मिलेगा। अगर आपके यूट्यूब चैनल पे भी मोनेटाइजेशन को लेके इशू है, आपका मोनेटाइजेशन भी किसी भी रीजन के वजह से नहीं हो रहा है, या फिर YouTube पार्टनर प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए YouTube आपको अवेलेबल नहीं करवा रहा है मोनेटाइजेशन, तो आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा जो आगे जाके अगर आप आपके चैनल पे इम्प्लीमेंट करोगे तो आपका ये इशू सॉल्व हो सकता है और मोनेटाइज भी हो जाएगा। तो चलिए ज़्यादा बकबक ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आप लोगों को दिखाता हूँ कि इस चैनल का क्या इशू है जिसके वजह से मोनेटाइज का सारे क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद भी मोनेटाइजेशन जो है वो रिजेक्ट हो रहा है। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा क्रिएटर स्टूडियो पे। तो यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो पे मैंने क्लिक कर दिया तो अब एक नया पेज रिडायरेक्ट होके हम चले जाएंगे और यहाँ पे जाके ही हमको पता करना पड़ेगा मोनेटाइजेशन ये चैनल क्यों नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले चला जाऊंगा, थोड़ा सा ड्रैग करके नीचे आऊंगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मोनेटाइजेशन ऑप्शन। तो इस पर आपको सिंपली से क्लिक कर देना है। तो मैंने क्लिक कर दिया तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बोल रहा है 1000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर है तो ये ग्रीन टिक है, मतलब एक क्राइटेरिया जो 1000 सब्सक्राइबर होना होता है मोनेटाइजेशन के लिए ये कॉम्प्लीटेड है, उसी के साथ 4000 वॉच आवर होना होता है लास्ट 12 मंथ पे वो भी कॉम्प्लीटेड है। यहाँ पे आप देख सकते हो पब्लिक वॉच आवर जो है 7000 से भी ज़्यादा हो चुका है, फिर भी इस चैनल का जो मोनेटाइजेशन है वो अप्रूव नहीं हो रहा है। 2-3 दफ़ा मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर चुका है और हर बार मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हो गया है। वो क्यों इशू आया हुआ है ये आज समझने की कोशिश करेंगे और फिर इशू को सटीक करने के लिए, सॉल्व करने के लिए भी ट्राई करेंगे और देखते हैं आने वाले टाइम पे ये चैनल मोनेटाइज होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो ऊपर चैनल मोनेटाइजेशन पे यहाँ पे लिखा हुआ है योर एप्लीकेशन टू यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम वाज नॉट एक्सेप्टेड। यहाँ पे बोल रहा है एक्सेप्टेड नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है ये भी हमको समझना है। इसके लिए यहाँ पे लिखा है अनफॉर्चुनेटली वी फाउंड दैट योर चैनल डज नॉट फॉलो द यूट्यूब मोनेटाइजेशन पॉलिसी, so we cannot approve your application at this time, please review our feedback below and make changes। तो यहाँ पे यही बोला है कि YouTube monetization policy को ये channel अभी फिलहाल नहीं मान रहे हैं, काफ़ी गलतियाँ हैं जिसके वजह से अभी फिलहाल application को approve नहीं किया गया है और YouTube के team के हवाले से थोड़ा बहुत feedback भी suggestion भी भेजा गया है, उसको follow करने के लिए बोला है और changes जो भी करना है, जो issue है उसको solve करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे आपको as a creator समझना पड़ेगा क्या इशू के वजह से आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज नहीं हो रहा है, क्या चीज़ों के ऊपर आपको काम करना है। तो यहाँ पे लिखा है आवर रिव्यू वी फाउंड, मतलब जब भी YouTube टीम ने रिव्यू किया है तो वो लोगों को मिला है वी फाउंड कंटेंट ऑन योर चैनल दैट इज नॉट इन लाइन विद द फॉलोइंग गाइडलाइंस, मतलब चैनल के जो कंटेंट है उस पर इशू है, वो लोग सिंक पे नहीं है, उस पर कुछ मिसमैच है या फिर आप बोल सकते हो पॉलिसी के अगेंस्ट जाके कुछ है कंटेंट में। टू मोनेटाइज योर चैनल मस्ट कॉम्प्लाई विथ यूट्यूब मोनेटाइजेशन पॉलिसी, प्लीज रिव्यू योर चैनल एंड मेक चेंजेस। वही बोला है आपको खुद से रिव्यू करने के लिए आपके चैनल पे और वो चेंजेस करने के लिए जिसके वजह से इशू आ रहा है। तो यूट्यूब ने यहाँ पे साफ साफ तो नहीं कहा है क्या इशू है, मगर इतना जरूर बता दिया है
पॉलिसी मोनेटाइजेशन इशू है। तो यहाँ पे लिखा है चेंज कैन इंक्लूड एडिटिंग और डिलीटिंग वीडियो एंड अपडेटिंग वीडियो मेटाडाटा। मेटाडाटा को अपडेट करने के लिए बोला जा रहा है और उसी के साथ कोई कोई वीडियो को डिलीट या फिर एडिट करने के लिए भी इन जनरल बोल रहा है। तो यहाँ पे हमको करना क्या है, अब YouTube ने बोला है हमको हमारे जो चैनल है इस पर कुछ मसला है पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का, तो हमको उस पर सुधार लाना है, उस सारे चीज़ों को सॉल्व करना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो एप्लीकेशन रीओपन 22 जून 2020, मतलब आने वाले जनवरी 22 को फिर से ये जो रीअप्लाई बटन अब इनविजिबल है वो विजिबल हो जाएगा और फिर से चैनल को मोनेटाइज करने के लिए अप्लाई करें कर सकते हैं। मगर अप्लाई तभी करना है जब हम हमारे यूट्यूब चैनल पे सारे इशू जो पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का आया हुआ है उसको सॉल्व कर ले, उसके बाद ही हम रीअप्लाई करें, तो आने वाले टाइम पे ये चैनल जो है मोनेटाइज हो जाएगा। तो मुझे दोस्तों ऑलरेडी मैंने इस चैनल के थोड़ा बहुत विजिट करके देख लिया है वीडियो बनाने से पहले और मुझे लगता है पूरा भरोसा है आने वाले टाइम पे ये चैनल जो है 100% मोनेटाइज हो जाएगा। तो क्या कुछ चेंजेस है, क्या कुछ इशू है, वो अभी मैं करके दिखाने वाला हूँ, वो भी प्रैक्टिकली। तो आप लोग इसको समझो और अगर आपने भी ये मिस्टेक दोहराया है अपने चैनल पे तो उसको सुधारो। तो उसके लिए मैं सबसे पहले जाऊंगा सेटिंग पे, तो मैंने सेटिंग पे क्लिक किया। याद रखना दोस्तों आपको क्रिएटर स्टूडियो पे आने के बाद सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे चैनल ऑप्शन रहता है, इस पर क्लिक करना है। तो चैनल पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे बेसिक इन्फो रहता है और उसी के साथ एडवांस सेटिंग ऑप्शन रहता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पता है कि अब एक नया अपडेट आया है कोपा के हवाले से। अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर हो तो कोपा को आपको समझना है, इसके ऊपर ढेर सारे वीडियो मैंने मेरे चैनल पर बनाया रखा है। तो ये जो चैनल है बेसिकली मेड फॉर किड नहीं है, बच्चों के चैनल नहीं है ये। तो मुझे ये चैनल लेवल पे सेटिंग करना है, क्या ये चैनल बच्चों के लिए है या फिर ये चैनल बच्चों के लिए नहीं है। तो ये ऑनर ने अभी तक कुछ भी सेट नहीं किया है, तो इस पे नॉलेज का कमी दिख रहा है। तो अगर आप एक क्रिएटर हो नए नए तो आपको भी शायद ये चीज़ के बारे में मालूम नहीं है। अगर आपको लगता है आपका जो कंटेंट है वो मेड फॉर किड नहीं है, बच्चों के लिए नहीं है, तो आपको यहाँ पे सेट करना पड़ेगा नो सेट दिस चैनल नॉट मेड फॉर किड। तो मैं इस केस पे यहाँ पे नॉट मेड फॉर किड करूँगा क्योंकि ये चैनल बच्चों के लिए नहीं है। अगर बच्चों के लिए होता तो मैं ये ऑप्शन को सिलेक्ट करता और उसके बाद आपको सेव कर देना है। तो मैं अभी सेव पे क्लिक कर दिया। तो ये मैंने एक सोल्यूशन कर लिया है मोनेटाइजेशन पॉलिसी को लेके। अब दूसरा सेटिंग में जाऊँगा, उसके लिए आपको जाना है कमेंट पे। यहाँ पे क्रिएटर स्टूडियो के अंदर ही आएगा कमेंट, तो कमेंट पे आपको क्लिक करना है। तो मैंने कमेंट पे क्लिक कर दिया है। तो ये सारे चीज़ रेगुलर बेसिस पे आप लोगों को ध्यान रखना है और काम करना है। तो कमेंट पे आने के बाद यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे ऐसे कॉमेंट आते हैं जो के स्पैम कॉमेंट होते हैं, तो वो इस चैनल पर भी है। यहाँ पर आप देख सकते हो लाइकली फॉर स्पैम कमेंट, तो इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। तो मैंने अभी क्लिक किया है, तो जैसे ही क्लिक करूंगा यहाँ पे चारों कमेंट आ जाएगा। आने के बाद ही नेक्स्ट स्टेप होगा, वो क्या है, वो है डायरेक्ट आपको देखना है ये जो कमेंट है ये सारे स्पैम कमेंट है, तो इसको डिलीट कर देना है। तो मैं तो डिलीट ही कर देता हूँ मैक्सिमम टाइम मेरे चैनल पर ऐसा कॉमेंट आता है। तो यहाँ पर ये सारे जो कॉमेंट है वो नॉर्मल कमेंट नहीं है, वो स्पैम है और यूट्यूब भी देख रहे हैं। तो बेहतर वही होगा, अगर आप चाहते हो आपके मतलब चैनल को क्लीन रखने के लिए तो ये सब डिलीट कर दो। तो मैं भी ये स्पैम कमेंट को हमेशा डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे भी डिलीट कर रहा हूँ। ये होता है क्लीन अप, ये आपको करना ही है, आप याद रखना। और ये सब जो है आएगा और बेसिकली जो भी कमेंट ऐसा रहेगा उसको आपको डिलीट कर देना है। तो यहाँ पे मैंने चार कमेंट ऑलमोस्ट डिलीट कर चुका हूँ। अगर आपको भी ऐसा कमेंट आता है तो आप भी डिलीट करो। उसके बाद पब्लिक पे चले जाओ, यहाँ पे आप देख सकते हो कोई रिव्यू नहीं है और स्पैम पे अभी एक शो हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो अभी मैंने चार कमेंट डिलीट कर दिया, तो यहाँ पे कुछ भी कमेंट नहीं है फिलहाल। तो ये स्पैम कमेंट जो भी इस चैनल पर था वो मैंने सॉल्व कर दिया है। तो आपके चैनल पर भी बहुत सारे ऐसे स्पैम कमेंट आएगा तो ब्लाइंडली जाके डिलीट करना, क्योंकि ये सब पॉलिसी के अगेंस्ट होता है। तो वो मैंने कर चुका हूँ। अब मैं चला आऊँगा वीडियो लेवल पे, क्योंकि कंटेंट में ही मेन इशू है इस पेज के मोनेटाइजेशन के दौरान।
इस पेज के मोनेटाइजेशन होना या ना होना उसके ऊपर ही खड़ा है। कमेंट और सिर्फ जो चैनल सेटिंग है मेड फॉर किट उससे कुछ नहीं होगा, मगर वो भी करना है इसलिए मैंने दिखा दिया। अब सबसे मेन पार्ट पे आ गया हूँ, वो है कंटेंट। कंटेंट पे क्या इशू है, कंटेंट इस पेज पे क्या इशू है, इसके लिए से फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट वीडियो उठा लेता हूँ और उसको एडिट में डालता हूँ। इस पेज के जो टाइटल है और डिस्क्रिप्शन है वो बराबर से नहीं है, जिसके वजह से यूट्यूब टीम जब भी इस पेज के मोनेटाइजेशन को अप्रूव करने के लिए आता है तो हर बार उनको लगता है ये जो कंटेंट है मोनेटाइजेशन के लिए रेडी नहीं है, इसलिए वो लोग मोनेटाइज नहीं करता है, क्योंकि लाइंड अप नहीं है। लाइंड अप के मतलब है टाइटल प्रॉपर नहीं लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन भी प्रॉपर नहीं है। तो फिलहाल इस पेज का जो ऊपर में यहाँ पे टाइटल लिखा है ये तो फिलहाल हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट ठीक है, मगर देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है ही नहीं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन है ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए, हर एक वीडियो जो इस चैनल पे है हर एक वीडियो का एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, हो सके तो 150 से लेके 350 कैरेक्टर के अंदर अंदर डिस्क्रिप्शन लिखिए। अच्छे से डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो चैनल जब भी रिव्यू पे जाएगा 100% मोनेटाइज होगा। इस चैनल का मोनेटाइजेशन का मेन रीजन डिस्क्रिप्शन और टाइटल पे छुपा हुआ है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन है ही नहीं, इनलाइन नहीं है। तो यहाँ पे मैं इस पेज के ऑनर को यही सलाह दूंगा कि आप बराबर से डिस्क्रिप्शन लिखो, 350 कैरेक्टर तक अंदर अंदर पहले एक डिस्क्रिप्शन लिखो, नहीं तो मेरे चैनल पे भी जाके मेरे वीडियो के जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन मैं लिखता हूँ कितना टाइटल लिखता हूँ कितना डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ वो चेक करो एक बार। डिस्क्रिप्शन बराबर से होना चाहिए, और डिस्क्रिप्शन पे क्या लिखोगे सिर्फ कीवर्ड लिखने से नहीं होगा, डिस्क्रिप्शन आपके वीडियो किस टॉपिक पे है उसको रिप्रेजेंट करके आपको डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा। जिस टॉपिक पे आपका वीडियो है उसी टॉपिक पे आपको 350 कैरेक्टर के अंदर अंदर एटलीस्ट आपको एक डिस्क्रिप्शन लिखना है सबसे पहले। उस पे आप चाहो तो कीवर्ड भी ऐड कर सकते हो, जो कि आपके टाइटल पे मेन कीवर्ड होता है वो आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे आप मैं देखा काफ़ी डिस्क्रिप्शन पे गलती है, और यहाँ पे इस चैनल के ओनर ने ये भी बोला है कि मैं सर कुछ वीडियो पे डिस्क्रिप्शन पे सिर्फ फ़ोन नंबर और कॉन्टैक्ट करने के लिए बोल दिया है, ये सब लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ। तो ये जो आपने डिस्क्रिप्शन लिखा है ये लिख सकते हो, नीचे रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आप 5000 तक का कैरेक्टर यूज़ कर सकते हो, मगर पहले का जो पार्ट होगा डिस्क्रिप्शन का वो आपके वीडियो कौन सा टॉपिक पे है उस पे लिख के 350 कैरेक्टर के अंदर अंदर आपको डिस्क्रिप्शन पहले लिखना पड़ेगा, उसके बाद आप ये सारे चीज़ को ऐड रख सकते हो, इस पर कोई इशू नहीं होगा। तो यहाँ पे साफ साफ है इस पेज का कोई भी डिस्क्रिप्शन जो है वो बराबर से नहीं है। तो इस पेज के हर एक वीडियो पे डिस्क्रिप्शन बराबर से लिखना पड़ेगा। ऑलरेडी मैंने सारे वीडियोस चेक किए हैं तो वो सारे वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है वो उस पे इशू है, डिस्क्रिप्शन बराबर से लिखा ही नहीं है, थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिख के छोड़ दिया है, और डिस्क्रिप्शन पे डिस्क्राइब नहीं किया है, सिर्फ फ़ोन नंबर कहाँ पे कॉन्टैक्ट करना है वो लिख के रखा है। तो ये सब आप रख सकते हो, इस पे कोई इशू नहीं है, मगर फास्ट यहाँ पे नीचे जाके डिस्क्रिप्शन पे नीचे जाके यहाँ पे बेसिकली फर्स्ट स्टार्टिंग पे आपको पूरा एक लाइन लिखना है, 350 कैरेक्टर के अंदर अंदर आप लिखना है एटलीस्ट उस डिस्क्रिप्शन को, जहाँ पे आप डिस्क्राइब करोगे ये वीडियो किस टॉपिक पे है उसको डिस्क्राइब करके आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा। और हर एक वीडियो पे डिस्क्रिप्शन और उसी के साथ टाइटल होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक वीडियो को अभी क्लिक करके ओपन करता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा बेहतर समझा पाऊँ और इस पेज के ऑनर को भी। तो मैंने इस वीडियो को ओपन किया है, तो ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन है ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट पे 350 कैरेक्टर पे डिस्क्रिप्शन आना चाहिए टाइटल के साथ, और उसके बाद नीचे थोड़ा सा ड्रैग करके आना है, और यहाँ पे टैग 3-4 टैग आप डाल दो, यहाँ पे एक ही टैग डाल के रखे हो, 3-4 टैग डाल दो, वो भी टैग होना चाहिए जो वीडियो है उससे रिलेटेड कीवर्ड पे। यहाँ पे टैग मतलब कि कीवर्ड होता है जिससे लोग आपके वीडियो को सर्च करके आपके वीडियो पे आए। तो यहाँ पे ये सेटिंग होना बहुत ज़रूरी है, इनके एक भी वीडियो पे डिस्क्रिप्शन बराबर से नहीं है, जिसके वजह से यूट्यूब का साफ साफ कहना है इनलाइन नहीं है चैनल के कंटेंट। तो इसको इनलाइन कीजिए, और अगर आपके यूट्यूब चैनल पे कोई भी कंटेंट बच्चों के लिए है
जैसे कि इस पेज के ऑनर ने बोला है दो कंटेंट ऐसा है जो मेड फॉर किड है, तो जैसे कि ये वाला कंटेंट उन्होंने बोला है कैरियर विंग्स वो मेड फॉर किड है, तो इस पर क्लिक करना है मुझे, क्लिक करके देखना है इसका सेटिंग क्या किया है। तो जो भी कंटेंट बच्चों के लिए होगा उसको साफ साफ आपको यहाँ पे जाके सेटिंग करना है। यहाँ पे देखिए नो इट्स नॉट मेड फॉर किड सिलेक्ट करके रखा है। अगर आपका चैनल बच्चों के लिए नहीं है मगर एक या दो कंटेंट बच्चों के लिए है तो आपको सिर्फ वीडियो लेवल पे जाके इसको मेड फॉर चिल्ड्रेन सिलेक्ट करके सेव कर देना है। तो मैंने यहाँ पे इस वीडियो को तो सेव कर दिया एग्जाम्पल दिखाने के लिए। अगर ऐसा और भी कंटेंट आपके YouTube चैनल पे है जो कि सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए है तो आपको सिर्फ यस पे क्लिक करके सेव कर देना है। और चैनल लेवल सेटिंग जो है वो मैंने नॉट मेड फॉर किड डाला है, तो आपके हर एक वीडियो बाय डिफॉल्ट नॉट मेड फॉर किड ही सिलेक्ट रहेगा। तो ये अगर आप कर लोगे, डिस्क्रिप्शन सारे वीडियो पे बराबर से लिख लोगे 350 कैरेक्टर के अंदर अंदर स्टार्टिंग में वीडियो जो टॉपिक पे है उस पे लिख के बना दोगे, तो आने वाले 22 तारीख को ये जब रीअप्लाई का बटन एनेबल होगा और आप अप्लाई करोगे, मुझे पूरा 100% विश्वास है इस बार आपका मोनेटाइजेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले आप सारे डिस्क्रिप्शन को ठीक करो, ये मेरा एक सलाह रहेगा आपको। और बाकी मैं एक बार एक दफ़ा कंटेंट को देख लेता हूँ, मतलब वीडियो को देख लेता हूँ, और कोई थंबनेल पे तो इशू नहीं है, तो इसके लिए मैं वीडियो लेवल पे आ गया। थंबनेल मैंने देखा है उनका, थंबनेल पे कोई इशू नहीं है, थंबनेल पे इशू होता तो मुझे पता चलता। और आपको एक सलाह ये भी रहेगा, अगर आप चाहते हो आपका टाइटल बंगाली में लिखने के लिए तो पूरा बंगाली में लिखो, अगर चाहते हो इंग्लिश में लिखने के लिए पूरा इंग्लिश में लिखो, या फिर आप चाहते हो हिंदी में लिखने के लिए तो हिंदी में पूरा लिखो। इससे मिसमैच मत करो, सारे लैंग्वेज के एक साथ मत जुड़ो। अगर ऐसा चाहते हो कि बंगाली को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखोगे तो वो बंगाली को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखो, मगर ऐसे मिक्स्ड मत करो जिससे कि आपके टाइटल और डिस्क्रिप्शन का क्वालिटी खराब हो, जिसके वजह से आपका मोनेटाइजेशन अभी तक यूट्यूब ने चालू नहीं किया है। आशा करता हूँ आज के ये हेल्थ चेकअप से आपको पूरा मसला समझ में आ गया, क्या इशू है आपके पेज पे, मतलब यूट्यूब चैनल पे। और अगर आपने मैंने जो बताया है उसके ऊपर बैठ के काम करोगे, फोकस करोगे, तो आने वाले 2020 जनवरी में जब भी आपके चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भेजोगे, मुझे पूरा विश्वास है 100% आपका जो ये चैनल है वो मोनेटाइज हो जाएगा। अगर किसी भी दोस्त को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, कोई भी अगर आपका कमेंट या फिर सुझाव है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जाना, ताकि मुझे भी पता चले आने वाले कौन सा टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। अगर लास्ट तक आपको इस वीडियो पे वैल्यू मिला है तो वीडियो को ज़बरदस्त लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करके जाना। आज के इस वीडियो पे इतना ही दोस्तों, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो, और मम्मी पापा का नाम करो दोस्तों, बाय।